नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो इस वीडियो में दोस्तों आपकी बात करने वाला हूँ राजस्थान BSTC के एग्जाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, BSTC की एग्जाम डेट आ चुकी है, आप सबको पता होगा। और अब 20 से 25 दिन का समय ही आपके पास बचा है, मान लीजिए एक महीने का समय आपके पास बचा है दोस्तों। तो इस महीने में आपको कैसे तैयारी करनी है, इसी महीने में आपकी 31 अगस्त को एग्जाम भी होने वाली है। एग्जाम डेट फिक्स रहेगी दोस्तों, एग्जाम डेट चेंजेस मुश्किल ही होगी। अगर कोरोना की जो है लहर आती है, कोरोना केसेस ज़्यादा आते हैं तो यहाँ पर कैंसिल हो सकता है एग्जाम, बनना दोस्तों एग्जाम है वो समय पर ही कराया जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपको 400 नंबर से ज़्यादा नंबर लाने होंगे, तो कैसे तैयारी करनी होगी। अगर आपके 400 से ज़्यादा नंबर आते हैं तो वहाँ पर दोस्तों आपको जो होम डिस्ट्रिक्ट में ही कॉलेज मिल जाती है, यानी कि जहाँ पर कॉलेज चाहते हैं वहीं पर कॉलेज मिल जाती है, जिससे कि आपको दूर जाना नहीं पड़ता है, आपका खर्चा भी बच जाता है दोस्तों, और आप अन्य किसी कंपटीशन की तैयारी भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपको BSTC की तैयारी कैसे करनी है, कट ऑफ कितनी रहेगी और क्या क्या आपको पढ़ना है दोस्तों, किन किन चीज़ों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ के बाद बात करूँगा दोस्तों आपको कैसे तैयारी करनी है। तो कट ऑफ को लेकर अगर मैं बात करूँ सबसे पहले, तो कट ऑफ दोस्तों यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है वो रहती है जनरल कैटेगरी की। आप सबको पता होगा जनरल कैटेगरी की कट ऑफ सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। या लास्ट ईयर अगर कट ऑफ की बात करें तो लास्ट ईयर कट ऑफ 400 से ज़्यादा ऊपर गई थी, 400 प्लस गई थी, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि जो स्टूडेंट थे उन्होंने ऑल राजस्थान नहीं किया था, और जो ऑल राजस्थान का जो सिस्टम है दोस्तों वो यहाँ पर ख़त्म कर दिया था, कि यानी कि आपको सिर्फ एक बार ही ऑल राजस्थान यहाँ पर बनने का ऑप्शन मिलेगा। इसलिए आप इस बार ये गलती ना करें, आप अगर भले ही आपके नंबर ज़्यादा हैं फिर भी आप ऑल राजस्थान करके चलें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनके ज़्यादा नंबर होते हैं इस वजह से वो ऑल राजस्थान नहीं करते हैं, सिर्फ 5 से 6 कॉलेज भरते हैं जिनकी कट ऑफ और ज़्यादा हाई चली जाती है, तो ऐसे में उन्हें कॉलेज नहीं मिल पाती है। तो ये गलती नहीं करनी, ऑल राजस्थान करके चलें आप, बाद में अपवर्ड मूवमेंट में आप कॉलेज चेंज भी कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात कर लेता हूँ दोस्तों जनरल कैटेगरी की कट ऑफ के बारे में। तो 390 प्लस की तैयारी आपकी आराम से होनी चाहिए दोस्तों, OBC में आपकी 380 प्लस की तैयारी आराम से होनी चाहिए, और EWS में 375। यहाँ पर जो मैं आपको वो नंबर बता रहा हूँ दोस्तों, ये मिनिमम नंबर है, इनसे ऊपर भी जा सकती है, इनसे कम आपको 5 ही नंबर कम मिलेगी, इससे ज़्यादा कम नहीं मिलेगी, क्योंकि सीटें इस बार बढ़ गई हैं। तो इसी बार जो कट ऑफ है वो 2019 के बराबर रहेगी, ना कि 2020 के, क्योंकि 2020 की कट ऑफ हाई गई थी, सीटें कम कर दी गई थी 3000। अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों आपकी जो SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी में 370 प्लस आपको नंबर यहाँ पर तैयारी करनी है दोस्तों। ST कैटेगरी में भी आपको दोस्तों 350 प्लस स्कोर करना है, और मेन अगर फीमेल की बात करूँ दोस्तों, मेल फीमेल में दोस्तों कट ऑफ है मेल की थोड़ी हाई जाती है, 5 से 10 नंबर का अंतर देखने को मिल जाता है, फीमेल की थोड़ी कम जाती है। तो आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने नंबर आपको चाहिए। जो मैंने कट ऑफ बताई है दोस्तों वो अबॉक में बताई है, यानी कि 5 नंबर कम या ज़्यादा हो सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों आपको किस प्रकार आपकी तैयारी करनी है BSTC की, क्योंकि आप ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है दोस्तों रीजनिंग में आपको कम से कम नंबर कटने चाहिए, और आप ये ऐसी तैयारी करें। और राजस्थान जीके दोस्तों सबकी एक जैसी ही होती है, फिर भी मैं राजस्थान जीके में चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कवर करने की कोशिश करें, और हिंदी में आप अपने नंबर अच्छे लाएँ। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो शिक्षक अभिज्ञता, जो शैक्षणिक अभिरुचि होती है दोस्तों, उसमें जो है 150 नंबर का इसमें प्रश्न आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं। अगर इनमें से आप दोस्तों अगर 45 भी करते हैं तो आराम से आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे नंबर, 130 प्लस स्कोर करते हैं, तो आपको आराम से दोस्तों यहाँ पर जो है नंबर है वो 400 क्रॉस आप कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर आइडिया रहना चाहिए दोस्तों। और जो है सब्जेक्ट दोस्तों सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो है दोस्तों आपको रीजनिंग पर और शैक्षिक अभिता पर, और इसी के साथ दोस्तों दूसरा है आपका राजस्थान GK। और क्योंकि जो इंग्लिश होती है दोस्तों उनमें तो सबकी एक जैसी होती है, तो नंबर एक जैसे ही आते हैं। तो इंग्लिश का दोस्तों अलग से मैं आपको बता दूंगा, अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है तो आपको किस आधार पर उसमें दोस्तों जो है फॉर्म जो है OMR शीट में गोले काले करने हैं, क्योंकि अगर इंग्लिश आपको बिल्कुल नहीं आती तो उसमें तुक्का भी कभी कभी काम कर जाता है। 20 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और 60 नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं, अगर 10 क्वेश्चन भी आपके ठीक हो जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। तो आपके आराम से दोस्तों यहाँ पर 390 प्लस या 400 स्कोर कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, और अपनी कंटिन्यूस तैयारी भी करते रहें। मैंने मॉडल पेपर दोस्तों आपके चैनल पर मिल जाएंगे, जैसे चैनल पर जाके आप प्ले लिस्ट चेक कर लेना, आपको वहाँ पर दोस्तों मॉडल पेपर मिल जाएंगे, या वीडियो के लास्ट में मैं आपको लिंक दे दूंगा राजस्थान GK की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हर साल पूछे जाते हैं, तो दोस्तों वो जरूर देख लेना। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।